वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवेंथ की संस्कृत की बुक रुचिरा, जो कि सेकंड पार्ट है। और इसका हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 7। वी हैव ऑलरेडी डन 6 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, सो टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 7। एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज संकल्प सिद्धि दायक। संकल्प का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, सिद्धि मतलब सफलता, दायक मतलब देने वाली। तो संकल्प क्या होते हैं? जो दृढ़ निश्चय होते हैं वो सफलता देने वाले होते हैं, वो परिणाम देने वाले होते हैं। तो ये एक कहानी है जिसमें पार्वती जी अपनी माता जी से बात कर रही हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम अपने इस कहानी को करते हैं स्टार्ट। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्वती शिवम पति रूपेण आवच्छत् एतद्रस सा तपस्याम कुर्तम इच्छत। पार्वती यानी पार्वती जी शिवम शिव को पति रूपेण पति के रूप में आवच्छत् पाने के लिए चाहती हैं। आवच्छत् मतलब चाहना, यानी वह ऐसी इच्छा रखती हैं कि शिव उनके पति बने। एतदर्थ यानी इस अर्थ, एतद अर्थ इसलिए सा वह तपस्याम तपस्या को कर्तुम करने की इच्छा रखती हैं। सा स्वय के लिए मनोरथम, वह स्वय के लिए अपना यह मनोरथम मन की इच्छा मात्रे माता से नवेदित करती हैं, यानी उन्हें बताती हैं। तत् श्रुत्वा, तत् मतलब उसे, श्रुत्वा सुनकर माता, उनकी माता मैना, मैना उनकी माता का नाम है, चिंताकुला अभवत, यानी चिंताकुल यानी चिंतित हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। तो एतत् श्रुत्वा माता मैना चिंताकुला अभवत, जिसे सुनकर उनकी माता मैना चिंताकुल यानी कि चिंतित हो जाती हैं। मैना, मैना क्या कहती हैं? वत्से की, वत्स यानी पुत्री, मनी सीता देवा ग्रहम एव संती, कि मनी सीता बहुत सारे जो इच्छित देवता हैं ग्रह एव संती घर में ही हैं। तपह कठिनम अभवती, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। ग्रह एव वस यानी घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति, अत्र एव यानी यहाँ पे ही तव तुम्हारी अभिलाषा, अभिलाषा यानी जो इच्छा है सफल है, सफल भविष्यति हो जाएगी, कि तुम घर पर ही रहो और यहीं पर तुम्हारी जो इच्छा है वो सफल हो जाएगी। पार्वती, पार्वती कहती हैं कि अम्ब की माता, तादृश अभिलाषा तू तपस्या एव पूर्ण भविष्यति। तादृश मतलब इस तरह की अभिलाषा जो इच्छा है तू तो तपस्या एव तपस्या से ही पूर्णम पूरी भविष्यति होगी, कि तादृश अभिलाषा यानी उनकी जो अभिलाषा है शिव को पति रूप में पाने की वह तो तपस्या से ही पूरी होगी। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अथवा इस प्रकार का पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्प, अहम की मैं तप तपस्या एव चरिष्यामि ही करूँगी, इति ऐसा मम मेरा संकल्प है, संकल्प है यानी ऐसी मेरी इच्छा है। मैना, मैना कहती है पुत्री की, पुत्री त्वम एव तुम ही में जीवन अभिलाषा, तुम ही मेरी क्या है हमारी जीवन की अभिलाषा हो, हमारी इच्छा हो, हमारी सब कुछ हो। तो पार्वती कहती है, पार्वती कहती है सत्यम, सत्य है, परम परंतु मम मन मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तिम आकुलतम वर्तते, लेकिन मेरा जो मन है वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, बेचैन है। उनका, और उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य है शिव जी को पति के रूप में पाना। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगस्यामि, सिद्धिम प्राप्ति यानी लक्ष्य को प्राप्त करके, सफलता को प्राप्त करके, प्राप्य प्राप्त करके पुनः दोबारा तवेव शरणम आगस्यामि आपकी शरण में आ जाऊंगी। अध्यव विजया साक गौरी शिखरम गच्छामि, अध्यव मतलब अब मैं विजया से विजया के साकम साथ गौरी शिखरम गौरी शिखर इच्छामि, गौरी शिखर पर्वत पर
गच्छामि जाती हूँ। तत पार्वती निष्क्रामती और तब पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपम एव तपति स्म। पार्वती मन वचन और कर्म से तप के कार्य को करती हैं। कदाचित कभी कभी रात्रो स्थल खिले कदाचिना शिलायाम स्वपीति स्म। एकदा विजया आवद तो कदाचित कभी रात्रो स्थल खंडे कभी जमीन पर बिना बिछाए कदाचित शिलायाम और कभी चट्टान पे स्वपीति स्म सो जाती थी। एकदा विजया वदत एक बार विजया ने कहा विजया सखी तप प्रभावात हिंस पशु अभी तव सखाया जाता कि सहेली तप के प्रभाव से हिंसक पशु अभी हिंसक पशु भी तव सखाए जाता तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम तप पंचाग्नि व्रत यानी कि चारों तरफ आग जला के और ऊपर अपने जो नेत्र होते हैं वो सूरज से मिलाकर के तप किया जाता है जिसे पंचाग्नि तप कहते हैं। त्वम अतप तुमने कर लिया पुनर अपि फिर भी त्व तुम्हारी अभिलाषा न पूर्ण अभवत पूरी नहीं हुई फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती पार्वती अय विजय अरे विजय किम ना जानसी क्या नहीं जानती हूँ मनसी कदापि धैर्यम न परित्यजति कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। अपि च मनोरथाम अगति नास्ति और जो अपना मनोरथ है उसको भी नहीं छोड़ते हैं। विजया त्वम वेदम अधिवति यज्ञम संपादिवती तप करनात् जगति तव प्रसिद्धि कि तुमने क्या करा तुम्हें वेदों का ज्ञान है यज्ञम संपादिवती तुमने यज्ञ करे तप कारणात् तप के कारण जगति तव प्रसिद्धि जग में संसार में तुम्हारी क्या है त्वम वेदम अधीतवती तुमने वेदों को जाना है यज्ञम संपादवती यज्ञों का संपादन किया है तपम कारणात् जगति तव प्रसिद्धि तप के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अर्पणा इति नामना अपतपि त्वम प्रथिता और इसीलिए तुम क्या है अर्पणा के नाम में भी सबसे आगे हो। पुनरसपि तपस्य फलम नैव दृश्यते और फिर भी तुम्हें फल तप का जो फल है वो नहीं मिल रहा है। सो टुडे वी हैव डन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर संकल्प सिद्धिदायक। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।